नियोजन की बात है, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और इन नौकरियों में, इस मामले में निश्चित तौर पर झारखंड के भूमि पुत्र हैं, जो धरती पुत्र हैं, जो मूलवासी हैं, उनको निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी थी को चुनौती देने के लिए। हाईकोर्ट में जो लोग गए, जो याचिका करते हैं, उसमें से 20 में से 19 लोग जो है राज्य के बाहर के लोग हैं। पहले भी कई बार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर बात करें सरकार के 3 साल की, तो सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां भी काफ़ी हो रही है। और आपको बता दें कि आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस भी है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सर शहजादा अनवर जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस है, क्या कुछ जो सोच के साथ कांग्रेस पार्टी बनी थी, क्या उन सभी सोच को पूरा कर पा रही है? कांग्रेस पार्टी का 138 सालों का गौरवशाली इतिहास रहा है। जिन मुद्दों को लेकर के, जिन उसूलों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर के और जिस विचारधारा को लेकर के कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से एक इंच भी टस से मस नहीं हुई है। इस देश के अंदर में धर्मनिरपेक्षता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कांग्रेस पार्टी ही पूरे देश के अंदर में अभी तक संघर्ष कर रही है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने विचारधारा के लिए और अपने पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया, जो ये बहुत बड़ा ये संगठन है, उसको बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संवैधानिक जो मूल्य हैं, उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। अगर हम बात करें सरकार के 3 साल की, तो इस सरकार के 3 साल में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अब तक नियोजन नीति पर जो मामला अटका हुआ था, वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे इसको लेकर के, क्या कुछ कहिएगा नियोजन नीति को लेकर के? जहाँ तक नियोजन नीति की बात है, तो आपको इस बात की जानकारी है कि नियोजन नीति के मामले में पहले भी कई बार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया है। हमको अफसोस इस बात का है, मुख्यमंत्री सदन के अंदर और सदन के बाहर भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि नियोजन नीति को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में जो लोग गए, जो याचिका करते हैं, उसमें से 20 में से 19 लोग जो है राज्य के बाहर के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित षड्यंत्र, एक कॉन्स्पेरेसी है इसको बाधित करने का, इसको पेंडिंग में रखने का। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और हमको लगता है कि बहुत जल्द इस मामले में ठोस कार्रवाई होगी। अगर हम बात करें सरयू राय की, तो उन्होंने कहा है कि 2000 के बाद जितने भी लोग यहाँ पर, 2000 से पहले जो लोग यहाँ पर बसे हुए थे, उन लोगों के लिए भी नियोजन नीति पूरी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए, उन लोगों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, 2000 से पहले के लोगों या 2000 के बाद के लोग को, इस राज्य के अंदर में सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको सामान मिलना चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक नियोजन की बात है, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और इन नौकरियों में, इस मामले में निश्चित तौर पर झारखंड के भूमि पुत्र हैं, जो धरती पुत्र हैं, जो मूलवासी हैं, उनको निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस मामले में कहीं कोई समझौता, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, इस मामले में हर हालत में यहाँ के धरती पुत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जितने भी तमाम नियुक्तियां जो हुई है, पिछली सरकार में हुई या इस सरकार में हुई, जो नियोजन नीति के आधार पर जो नियुक्तियां हुई थी, उसको लेकर के भी कहना है सरयू राय का कि उन तमाम नियुक्तियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए, जिससे पता चल सके कितने लोग बाहरी थे और कितने लोग झारखंडी थे। नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने की जहाँ तक बात है, बिल्कुल रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का यह तकाजा, ये बिल्कुल सही बात है कि इससे बात है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएंगी और एक्सपोज भी हो जाएंगी किस प्रकार से झारखंड में, झारखंड के जो मूलवासी हैं, झारखंड के जो धरती पुत्र हैं, झारखंड के भूमि पुत्र हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको कैसे उसको जो है राज्य के, दूसरे राज्य के लोगों ने जो है उसमें अतिक्रमण करने का काम किया है। यहाँ के लोग जो है दर दर भटकते रहेंगे और दूसरे राज्य के लोग उनको जो है नियोजन में ज़्यादा भागीदारी ले जाएंगे, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो अगर उन ऐसा वो कहते हैं तो कहना चाहिए, लेकिन बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं सरयू राय जी और बहुत विद्वान हैं। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि सदन के बाहर में जिस तरह से वो बोलते हैं, सदन के अंदर में भी इसी तरह से उनको बोलना चाहिए।
क्या कुछ युवाओं के लिए रहेगा, कांग्रेस किस तरीके से युवाओं का समर्थन करेगी इस नियोजन नीति को लेकर के, जो आने वाला नियोजन नीति होगा कब तक वो तय कराने में कांग्रेस की भागीदारी रहेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में या राज्य के जो गठबंधन के दूसरे वरिष्ठ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, अपने घोषणा पत्र में जिन चीज़ों का भी उल्लेख किया है, निश्चित तौर पर हमारी ये कोशिश है कि घोषणा पत्र के एक एक बिंदुओं के ऊपर में उसका कार्यान्वयन होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। हमको खुशी है इस बात की कि राज्य सरकार कोरोना की चुनौती के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने 3 सालों के अंदर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राज्य का जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए, सरकारी कार्यालयों में जो अनियमितता भ्रष्टाचार कहीं कहीं रही है उसको दूर करने के लिए, ज़मीन के मामले में सुधार करने के लिए, दाखिल खारिज में जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य, जो स्पोर्ट्स जगत के जो हमारे नौजवान थे उनको नौकरी में रखने के लिए, तो बहुत सारे उल्लेखनीय काम, मनरेगा में लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए, तो इस तरह के बहुत सारे काम जो है, एक बहुत बड़ा इशू था किसानों का जो ऋण माफ़ी योजना, उसमें जो है 1,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया ऋण माफ़ी के लिए, तो बहुत सारे काम हुए हैं। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि लाखों लोगों को राशन देने का काम जो है सरकार ने किया है, इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम युवा जो नियोजन नीति का इंतज़ार कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब बहुत जल्द कुछ ना कुछ सरकार जो है वो निर्णय लेगी और एक बड़ी सौगात जो है वो तमाम युवाओं को मिलेगी, क्योंकि नियोजन नीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चूँकि झारखंड में अब तक नियोजन नीति नहीं है जिसके वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तमाम परीक्षाएँ जो है वो रद्द हो चुकी है, जितने भी रिजल्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं अब रुक चुके हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से झारखंड में आवाज़ बुलंद करें। अभ्यर्थियों के लिए ज़रूर यहाँ पर इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे और बहुत जल्द लेंगे, और जितने भी बाहरी हैं उन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, भले ही वो यहाँ आकर के रहे काम करें मगर नियोजन नीति में यानी कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में बाहरियों को जगह नहीं मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट, मैं पूजा, नमस्कार।